हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जुडिशियल सर्विस। इंडियन जुडिशियल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो हम लोग अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म है लुम्बिनी में हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है कब हुआ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है, यानी कि 563 BC में हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो जो बुद्ध थे ये शाक्य वंश से संबंधित है, इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, यानी बुद्ध मतलब ज्ञानी व्यक्ति होता है, ज्ञान प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई है, तो ये ऑप्शन डी सही है इसका। और क्वेश्चन नंबर 6, बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया स्थित है बिहार में, तो बिहार राज्य में बोध गया स्थित है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उन्होंने अपना प्रथम जो धर्म उपदेश जो है सारनाथ में दिया, ये बनारस के पास में है। क्वेश्चन नंबर 8, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो जो बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो संस्कृत भाषा का, प्रकृत भाषा का, पाली भाषा का, सौर सेनी भाषा का? तो पाली भाषा का सबसे अधिक प्रयोग बौद्ध धर्म में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म की जो ग्रंथों की रचना है वो पाली पाठ में की गई। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? सबसे बाद वाला ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ है बामसा थपा कसनी। बामसा थपा कसनी ये सबसे लास्ट बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जो भारत में लिखा गया, बनाया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ये त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। बौद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बौद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, तो ये घोड़ा ऑप्शन ए में है। अगले प्रश्न पे आते हैं। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो उनके जन्म के साथ बुल का संबंध है। अगले प्रश्न पे आते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म के स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ये जो है अशोक मौर्य यानी सम्राट अशोक का जो है रुक्मिणी देवी स्तंभ है, वहीं से इसके बारे में जो है जन्म स्थान के बारे में अंकित किया जाता है उनके जन्म स्थान। अगले प्रश्न पे आते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जो गौतम बुद्ध हैं, भगवान गौतम बुद्ध, इनके द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इनकी स्थापना, भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म का है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो ये राजगृह में की गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में की गई है। अगले प्रश्न पे आते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया? तो ये जो है सम्राट अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण
प्रदान किया जो कि पाटलिपुत्र में होती है। नेक्स्ट आते हैं, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संहिति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कुंडलवन जम्मू कश्मीर में की गई थी, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में आते हैं, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संहिति की आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार कई परीक्षाओं में आ चुका है ये। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता जो है वासुमित्र ने की थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो पांचवी बौद्ध परिषद, यहाँ संगति ना हो कि ये परिषद है, पांचवी बौद्ध जो परिषद है इसका आयोजन जो है हर्ष ने, राजा हर्ष ने किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से किस में से कौन था? तो जो अंतिम व्यक्ति है गौतम बुद्ध के द्वारा वो था सुबुद्ध। और अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष पर अंतिम वर्षा ऋतु, ये बहुत ही शुभ माना जाता है वर्षा ऋतु, कहाँ पर बिताई थी? इसमें जो है जो बुद्ध भगवान थे वो विश्राम करते थे, तो ये कुशीनगर में बिताई थी, यही इनका मृत्यु का स्थान भी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर इस वीडियोस को अन्य लोगों पे भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, किसी भी माध्यम से, जिससे कि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके और लाभान्वित हो सके। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।